आज हम टॉपिक ऑफ द डे के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कौन से हैं सबसे बड़े बड़े धर्म, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम बात करेंगे, तो वो हमें जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं हमें लगता है कि मैक्सिमम इसी से होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन से धर्म से, कौन से रिलीजन से मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड में बिलोंग करती है। नाउ देखिए, यहाँ पे एक साइड पे मैंने रिलीजन ने धर्म का नाम लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज लिखी है ओवरऑल कि वर्ल्ड में कितने परसेंट लोग उस धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि मे बी हिंदुइज्म या इस्लाम ज़्यादा होगा क्योंकि आपको मुस्लिम कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा एंड हिंदू धर्म को भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी ये अलग सी चीज़ लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी। इससे पहले बस इतने से रिक्वेस्ट है कि बहुत शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बना लें। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे नोट्स को बनाने में, ओके। सो देखिए, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म आप देख सकते हैं क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियनिटी 31.5% पॉपुलेशन पूरी दुनिया में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। देन आता है इस्लाम, ठीक है, 23.2% पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया में वो इस्लाम यानी मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, है ना। फिर आता है हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो है 15% पॉपुलेशन। फिर आता है बुद्धिज़्म जो कि है 7%। अब देखिए इसके बाद और भी हैं, बट क्वेश्चन आपको यही आता है कि इन चार का सीक्वेंस आ सकता है या फिर मैक्सिमम किसको फॉलो किया जाता है, वो छोटे एग्जाम्स में आता है, वैसे बड़े एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हर एक धर्म में किसको जो है ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो जैसे क्रिश्चियन है वो किसको मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, है ना, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो क्रिश्चियनिटी की बात करें, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जीसस, जीसस की टीचिंग्स पे बेस्ड है, बिलीव टू बी द सन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बेटे ये माने जाते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इनकी एक मूर्ति भी लगी होती है ना, आपने देखी होगी, वो एक कील इनके दिल पे है ऐसा कुछ करके, तो मैंने भी वीडियोस में देखी है, तो वैसे करके है, ठीक है। फिर आता है इस्लाम, रिलीजन सेंटर्ड अराउंड द कुरान, कुरान है, प्रॉफिट मोहम्मद है फाउंडर इनके, तो उस पे ये बेस्ड है, प्लस शिया एंड सुन्नी सेक्ट करके है इनका, ठीक है, तो वो इस्लाम धर्म का हो गया। फिर आता है हिंदुइज्म, तो मैक्सिमम मुझे लगता है आप लोग जो देख रहे होंगे वीडियोज़ वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे या फिर मुस्लिम होंगे, है ना। सो हिंदुइज्म जो है ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है। हर एक धर्म का आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल जाएगा या सेंचुरी का टाइम मिल जाएगा कि टाइम पे ये इनका ओरिजिन हुआ था, बट हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, सेकंड मिलेनियम बीसी तक इसका, बीसी समझते हैं आप, बिफोर क्राइस्ट, मतलब इनके भी पहले, जो हम एडीबीसी पढ़ते हैं वो कंसेप्ट भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। तो इनका जो हिंदुइज्म का ओरिजिन है, हिंदू धर्म का ओरिजिन है, बहुत पुराना है, सनातन धर्म इसे कहते हैं, है ना। और इसमें जो है एक किसी भगवान की पूजा नहीं होती है, डिफरेंट गॉड्स माने जाते हैं, बट वही है कि शक्ति एक ही है। हम कहते हैं ना कि जैसे हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शिव की करते हैं, कृष्ण भगवान की करते हैं, ऐसे राम भगवान की करते हैं, बहुत सारे हैं। तो हिंदुइज्म बहुत ही डाइवर्स रिलीजन है, ठीक है, किसी एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं है, बट वही है कि शक्ति एक ही है, एक ही पावर है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है, ओम में हम मानते हैं, है ना, ऑरिजिन। फिर आता है बुद्धिज़्म, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज़्म जैनिज़्म मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो बुद्धिज़्म एक बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ तो मैंने आपको बस इतना बताना था कि इस्लाम जो है प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड है, हिंदुइज़्म सनातन धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म बुद्धा से रिलेटेड है, बट इनके बारे में आपको और पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरी एंशियंट हिस्ट्री की टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं बुद्धिज़्म की, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा आपको नोट्स बनाने में, है ना। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।